डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है, ये जो कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चुका है, तो जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्टेड हो गए हैं, यानी कि जो पोजीशन होल्डर्स हैं फर्स्ट पोजीशन वाले, अब उनका स्टेट लेवल पर जो है कंपटीशन होगा। ठीक है, तो जो भी आपने भरा हुआ है, तो अब आप कोई डेट पता होनी चाहिए कि अब आप स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कला उत्सव एट स्टेट लेवल लीडिंग टू पार्टिसिपेट एट नेशनल लेवल। मतलब अगर आप स्टेट लेवल पर फिर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप नेशनल लेवल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए स्टेट लेवल है जो भी बच्चे फर्स्ट आए ना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो अब वो स्टेट लेवल के लिए खेल सकते हैं और या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो शेड्यूल है ना कला उत्सव, ये 21 से लेकर 26 तक के बीच में होगा। तो जो भी आपके आसपास है, उन सबको ये बता देना, शेयर कर देना, ताकि किसी का ये छूटे ना, क्योंकि वो स्कूल से फिर कॉन्टैक्ट कर पाएंगे अपने। ठीक है, तो आप जानते हो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरी थी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वोकल म्यूज़िक क्लासिकल था वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। और यहाँ पर ना कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी है कि जैसे जिस बच्चे ने अलग अलग चीज़ों में जो पार्टिसिपेट किया ना, तो जब वो अब स्टेट लेवल के लिए जा रहा है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आप जो है ये पूरा का पूरा दे रखें। अगर आप कहेंगे ना, मैं इसको टेलीग्राम पर आपसे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो आप जानते हैं, एएससी स्टार्टर के नाम से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें मैं इसको पीडीएफ को दे दूंगा, ताकि आप जो है आराम से अपना देख लें कि किसका क्या टाइमिंग है। ठीक है, और कहाँ पर होगा, क्या क्या होगा, किससे कॉन्टैक्ट करना है। वैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसी में मैं वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, नंबर वगैरह अगर यहाँ दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कौन सा स्कूल है, आप सीधा उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप जानते हैं ना, ये जो कंपटीशन हुआ था 9th, 10th, 11th, 12th जो बच्चे थे, उन सब का था। इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट सभी बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वगैरह बता रखे हैं, इंडियन खाली अलाउड होंगे, और कौन सी इसमें नोट अलाउड है, वो सब बता रखा है। ठीक है, ये ठीक है डियर, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि देखो, आप चलो जैसा आपको ठीक लगे आप ये देख लो। ठीक है, ये सारों का जितना भी एक्सप्लेनेशन है पूरा दे रखा है। आपने जिसने पार्टिसिपेट किया है, उसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है डियर, और ये कह रहा है विनर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आएगी नेशनल लेवल ऑफ द प्रीवियस थ्री ईयर्स, जो पिछले 3 साल के जो होंगे ना कला उत्सव में, उन्हें अलाउड नहीं है ये। ठीक है, कहीं वो बच्चे पिछले बार वाले सोचे कि हमें इस बार मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। बाकी आप और वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी करके पूछ ले और कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। ठीक है, आपसे ना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डियर। अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।